हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदित्य सिंह। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। वी ऑलरेडी स्टार्ट अवर फर्स्ट चैप्टर, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ओके, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया बहुत सारी चीजें। हमने डायमेंशन एनालिसिस तक ये चैप्टर को पूरा खत्म कर लिया है, ठीक है। इन दिस लेक्चर वी आर going to study about law of chemical combination. In this lecture, we are going to study about law of chemical combination. अभी तक जो हमने देखा है वो बहुत ही बेसिक था, जो आपने शायद 10th या 9th में पढ़ के आए होंगे, ठीक है। आज जो हम देखने वाले हैं, नहीं तो अभी से, आज से जो हम देखने वाले हैं वो हमारे पूरे चैप्टर का सबसे मेन थ्योरी होने वाली है, ठीक है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, वी हैव फाइव लॉज, वी हैव टोटल फाइव लॉज। दिस फाइव लॉज डिसाइड्स हाउ एलिमेंट कंबाइन विथ ईच अदर। दिस फाइव लॉ decides that how element combine with each other and form compound. हमारे पास law of chemical combination में total 5 laws है। पांचों के पांचों laws क्या करने वाले हैं? वो decide करेंगे कि एक element दूसरे element के साथ reaction करेंगे कैसे तीसरा कंपाउंड बनाने वाले हैं, ठीक है। हियर आई शो यू वन कंपाउंड इज ए एंड बी इज अवर कंपाउंड। दिस कंपाउंड इज मेड बाय एलिमेंट ए एंड एलिमेंट बी। दिस कंपाउंड मेड बाय एलिमेंट ए एंड एलिमेंट बी। दिस फाइव लॉज डिसाइड्स दैट How many percentage of element A will be present in our compound? ये five laws जो है वो क्या decide करेंगे कि ये जो compound है हमारा AB, उसमें element A, element B, element B, उसका ratio कितना होगा, उसका mass कितना होगा, उसका volume कितना होगा, वो कौन decide करने वाला है? तो हमारे ये जो फाइव लॉ है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो हमें ये लॉ क्यों पढ़ना है? तो कैसे एलिमेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन होके कंपाउंड फॉर्म करेंगे वो डिसाइड करने के लिए हमें ये फाइव लॉज जो है पढ़ना है। फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यहां पे लॉ पे हमें टाइटल देख के ही पता चल जाता है कि मास के साथ कुछ रिलेशन है। ये जो हमारा लॉ है वो मास के साथ कुछ उसका रिलेशन है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट विच साइंटिस्ट गिव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गिवन बाय एंटोनी लोवेजियर इन 1789। दिस लाइन इज इंपोर्टेंट फॉर एमसीक्यू। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास was given by Antoni Lavoisier in 1789. Okay? अभी आपको पता चल गया होगा कि law of conservation of mass किसने दिया था और कब दिया था। Antoni Lavoisier ने दिया था और कब दिया था? तो 1789 में दिया था। Law of conservation of mass says that matter can neither be created nor destroyed. Matter can neither be created nor destroyed, but converted into one form of matter
इनटू अनदर। ये क्या बताता है, किसी भी मैटर को किसी भी मैटर को हम ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही उसको बना सकते हैं, हम उसका सिर्फ कन्वर्जन कर सकते हैं, उसको सिर्फ वन फॉर्म ऑफ मैटर को, किसी भी एक मैटर को एक फॉर्म में से किसी दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं, तो कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं एग्जांपल के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। We have element A and element B. These two element combine, element A, element B combine with each other and gives compound A and B. Compound AB. Okay? And the mass of this compound AB, mass of this compound AB is X. We assume that mass of this compound, we assume that mass of this compound is X. Now, here we assume that mass of element A and mass of element A is x1, mass of element B is x2. And when we take a sum of a mass of element A and element B, what we get that x1 plus x2 gives x. X1 plus X2 gives X. So here we can say that sum of mass of reactant. Sum of mass of reactant. Reactant is element A and B. Sum of mass of reactant is equal to sum of mass of product. Here product is AB. Sum of mass of reactant is equal to sum of mass of product. ठीक है, जब ये कंडीशन फॉलो होती है, जब कभी भी ये कंडीशन किसी भी रिएक्शन में फॉलो होती है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जो ये रिएक्शन होती है वो क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करती है, तो फॉलो करती है। ठीक है ना, और ये तभी आ सकता है जब एलिमेंट ए और बी जो है वो पूरी तरीके से कंपाउंड ए बी बनाने में यूज होते हैं। अभी यहां पे देखो कि पूरी थियरी में ये जो हमारे पास लॉ है उसके सबसे मेन चीज जो है वो यही है, क्योंकि हमें इस लॉ पे से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे कि यू हैव टू फाइंड दैट रिएक्शन इज ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमें एक रिएक्शन दे दी जाएगी और आपको बोला जाएगा कि आपको ये ढूंढना है कि ये जो रिएक्शन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करती है, फॉलो करती है या नहीं करती है। ठीक है, तो उसके लिए आपको सिर्फ इतना ही करना है कि एलिमेंट ए और बी मतलब की जो रिएक्टेंट है उसका मास, उसके मास का क्या करना है, सम करना है। उसके बाद प्रोडक्ट का जो मास होता है उसका सम कर लेना है। जब ये दोनों सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट हो गए, तब आपकी जो रिएक्शन है वो क्या करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। अगर ये इक्वल टू नहीं होगा, इफ द सम ऑफ द मास ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ द मास ऑफ द प्रोडक्ट, देन दिस रिएक्शन इज नॉट गोइंग टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, मैंने यहां पे दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है। इन दिस इक्वेशन कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड गिव्स CO2. We have to find that this reaction follow. We have to find that this reaction follow or not. This reaction obey or not obey the law of conservation of mass.
जो ये रिएक्शन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगी या नहीं करेगी वो हमें फाइंड करना है। तो जैसे मैंने बताया आपको सिर्फ इतना देखना है, इतना ही फाइंड करना है कि सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट हो जाना चाहिए। तो यहां पे हम देखेंगे कि कार्बन का एटॉमिक मास, कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है कितना है, तो 12 होता है। उसी तरीके से ऑक्सीजन का होता है 16। ओके, सो हियर कार्बन एटॉमिक मास इज 12, हियर वी हैव टू ऑक्सीजन, देयरफॉर 2 इनटू 16 गिव्स 32, गिव्स 32। इफ वी टेक द सम ऑफ 12 प्लस 32 व्हाट वी गेट, 44। हियर 44 इज सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टर, सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टर। सो इफ दिस रिएक्शन फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देन इट प्रोड्यूस, यहां पे जो CO2 है वो हमारी प्रोडक्ट है, उसका मास भी 44 ही आना चाहिए। ठीक है, उसका मास भी 44 ही आना चाहिए। कार्बन का मास हो गया 12 प्लस ऑक्सीजन 2 into 16। ठीक है, तो कितना आ जाता है 44। सो 44 इज सम, हियर 44 इज सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट। सो वी कैन से दैट फ्रॉम दिस सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट, therefore we can say that this reaction follow the law of conservation of mass। ठीक है, यहां तक आपको पता चल गया होगा law of conservation of mass किसे कहते हैं। इसके बाद हम law of conservation of mass पे कुछ numericals करने वाले हैं। ठीक है, कुछ मैं करवाऊंगा, एक मैं करवाने वाला हूँ, एक आपको घर से देने वाला हूँ। ठीक है, वो आपको करना है होमवर्क में, पीडीएफ फॉर्म में जो आएगा, आपके पास नोट्स आने वाली है, उसी में आपको आपको क्या है प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल जाएगा। तो सबसे मेन चीज है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंटोनी लोवेजियर, इसने दिया था एंटोनी लोवेजियर, कब दिया, 1789 में, एनसीक्यू में पूछा जा सकता है। ये शायद ही आपको पूछा जाएगा, फिर भी आपको याद रहना चाहिए कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म ऑफ मैटर इनटू अनदर फॉर्म। ठीक है ना, ये हमारा मैटर है, क्या होता है, क्या क्रिएट होता है, ना डिस्ट्रॉय हो सकता है, वो सिर्फ कन्वर्ट हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, और वो हमने यहां पर बता दिया। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट होता है, तो जो कोई भी हमारी रिएक्शन होगी वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है, और हमने यहाँ पे ये एग्जांपल देख लिया है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके बेस कुछ न्यूमेरिकल पूछा जाता है वो देखने वाला है। ठीक है, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो अब हम देखने वाले हैं न्यूमेरिकल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, उसमें से हम कुछ एक करने वाले, एक में घर से देने वाला हूँ, जो घर से मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूँ, पीडीएफ नोट जो आने वाले हैं उसी में आ जाएगा, और वो आपको आंसर जो है वो आपको मुझे कमेंट्स कर देना है वीडियो में। ओके, 1.5 ग्राम ऑफ C2H6 इट मींस इथेन, क्या ये इथेन का फॉर्मूला है, C2H6 जो है वो क्या है, इथेन का फॉर्मूला है। ऑन कंप्लीट कंबशन गिव 4.4 ग्राम ऑफ CO2 एंड 2.7 ग्राम ऑफ H2O सो दैट रिएक्शन ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो बोला है कि व्हाट, हमें ऐसा बताया है कि इथेन का कंप्लीट कंबशन, इथेन का कंप्लीट कंबशन होगा तो रिएक्शन क्या होगी वो देखते हैं। इथेन रिएक्ट विद O2, इथेन की जब O2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी तब वो कंप्लीट कंबशन हो सकता है। मतलब कि इफ वी बर्न द इथेन, इफ वी
burn the ethane, if there is a oxygen present, then ethane react with O2 and get complete combustion and give CO2 plus H2O plus heat. Okay? And we have to balance this reaction. Okay? To balance, we have to put here 2, here 7, here 4, and here 6. Okay? I am not going to explain you how this balancing comes. You have to. आपको खुद से ही बैलेंस करना है. फिर भी बैलेंसिंग रिएक्शन 10th स्टैंडर्ड में भी आ गया है. मुझे पता है 10th स्टैंडर्ड में भी बैलेंसिंग रिएक्शन है, तो आपको ये भी आना चाहिए. 11th का तो जाने दो, ठीक है. चलो, नाउ इन दिस क्वेश्चन वी हैव 1.5 ग्राम इथेन, 4.4 ग्राम CO2, 1.5 ग्राम 1.5 ग्राम सीक्वेंस 6, 4.4 ग्राम 4.4 ग्राम CO2 एंड 2.7 ग्राम H2O. 2.7 ग्राम H2O. व्हाट वी हैव टू फाइंड दिस रिएक्शन. दिस रिएक्शन ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ये हमें तो मैंने पहले ही बताया था, we have to sum of reactant, if this reaction follow or obey the law of conservation of mass, then sum of reactant is equal to sum of product. ठीक है, sum of product. If this reaction follow the law of conservation of mass, then sum of reactant is equal to sum of product. If sum of reactant and sum of product is not equal to, मतलब दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होगा, तो law of conservation of mass जो है वो follow नहीं होने वाला. यहाँ पे sum of product जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 plus 4 is equal to 1, 1 ऊपर चला जाता है तो 4 plus 2 6 और 1, 7.1 ग्राम यहाँ पे आ जाएगा. So sum of product is 7.1 ग्राम. Sum of product is 7.1 ग्राम. Here 1.5 ग्राम is C2H6 ethane mass of ethane. Here oxygen mass is not given. We assume that oxygen mass is X. So to get the answer, we have to calculate anyhow x mass of a O2. Answer हमें देने के लिए कि this reaction जो है law of conservation of mass को follow करता है कि नहीं करता है, उसके लिए हमें x चाहिए. x हम कैसे find करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे mass है ethane का और हमें पता है कि मोल की formula क्या होती है. मोल is equal to मास अपर मोलर मास. हियर वी आर गोइंग टू फाइंड द मोल ऑफ, हियर वी आर गोइंग टू फाइंड द मोल ऑफ इथेनॉल. देयरफॉर मोल्स ऑफ इथेनॉल इज इक्वल टू मास ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल. सो इथेनॉल नहीं, इथेन. मोल्स ऑफ इथेन इज इक्वल टू मास ऑफ C2H6 एंड मोलर मास ऑफ C2H6. मोलर मास हमें कैसे फाइंड करना है, तो पता है कि 2 कार्बन प्लस 6 H, यहां पे 2 * 12 हो जाएगा, यहां पे 6 * 1 आ जाएगा, तो ये हो गया 24, यहां पे हो जाएगा 6 गया
याद का आ गया 30 30 इज द मोलर मास ऑफ इथेन व्हिच मोलर मास ऑफ इथेन इज 30 मोलर मास ऑफ इथेन इज 30 ओके एंड मास ऑफ C2 इथेन इज 1.5 ग्राम हियर मोलर मास इज ग्राम पर मोल ग्राम कैंसिल आउट ईच अदर देयरफॉर व्हाट वी गेट इफ वी कैलकुलेट दिस वी गेट द आंसर इज 1/20 ग्राम 1/20 मोल 1/20 मोल सो हियर वी गेट द मोल्स ऑफ इथेन वी गेट ओके हमें मोल्स ऑफ इथेन मिल गए ठीक है अब हम क्या कर सकते हैं हमें फाइंड अबे क्या फाइंड करना है यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसका मास में फाइंड करना है ठीक है तो अगर किसी तरीके से मैं अगर ऑक्सीजन के मोल में फाइंड कर दू तो इस इक्वेशन से हमें ऑक्सीजन का मास मिल जाएगा ठीक है देखते हैं चलो अब हमें देखने वाले हैं कि ऑक्सीजन का मास कैसे हम फाइंड ऑक्सीजन का मोल्स हम कैसे फाइंड कर सकते Here we see that if 2 mole of C2H6 हमें C2H6 का complete combustion करना है उसके लिए requirement क्या है 7O2 मतलब 2 moles of C2H6 2 moles of C2H6 require 7 moles of O2 for complete combustion but in this question we have only 1/20 moles of C2H6 1/20 moles of C2H6 so from this we get the mole of O2 यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ कि 2 mole of C2H6 का complete combustion करने के लिए 7 mole of O2 चाहिए होते हैं हमारे पास इक्वेशन में कितने मोल है तो हमने वहां पर फाइंड किया 1/20 मोल है तो इन 120 मोल ऑफ C2H6 1/20 मोल ऑफ C2H6 को इसका कंप्लीट कंबशन करने के लिए हमें कितने मोल चाहिए तो वो हमें पता नहीं है तो यहां से हम पता लगा सकते हैं कि मान लो कि ये y कितने मोल चाहिए तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 7/20 × 2 therefore 7/40 mole therefore here we know what we get this is the moles of O2 7/20 mole is the moles of O2 okay yahan tak pata chal gaya yahan pe hame kya mil gaya to moles of O2 mil gaya hai O2 ke mole mil gaya hai theek hai to is equation ऐसा भी इक्वेशन ऑक्सीजन के लिए हम रखेंगे और मास ऑफ O2 हम फाइंड करेंगे ठीक है याद है आपको पता चल गया होगा ठीक है एक बार आप फिर से देख लो मुझे भी ये रब करना पड़ेगा जगह नहीं है इसलिए ठीक है स्क्रीनशॉट दे दिया तो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द मास ऑफ O2 वी गेट द मोल्स ऑफ O2 एंड फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ मोल वी आर गोइंग टू फाइंड द मास ऑफ O2 ओके चलो सो mole of O2 is equal to mass of O2 divided by molar mass of O2 moles of O2 is 7/40 mole okay is equal to mass of O2 what we assume that mass of O2 is x mass of O2 is x of O2 mass of O2 is x we assume here molar mass of O2 is 32 we all know that therefore 32 gram upon mole therefore 7/40 mole into ये यहाँ पे चला जाएगा तो 32 gram upon mole is equal to x mole cancel out each other here 8 × 4 = 34 and 10 × 4 = 4 10 × 4 = 4 and 4 and 4 cancel out each other here 4 × 2 is equal
equal to 8 and here 2 into 5 is equal to 10. Therefore 2 and 2 cancel. So here we get x is equal to 20. What we get? x is equal to 28.5 gram. Okay. And if we calculate this, what we get? 5.6 gram. Therefore, we get the mass of O2. We get the mass of O2. Okay. Mass of O2. Now we have to put. This value of mass of O2 means x 5.6 here, and if the answer is 7.1 gram, then we can say that this equation, this reaction follows the law of combination of mass. So here 1.5 into plus 5.6, 1.5 plus 5.6, 6 plus 5 is equal to 11, 11 plus 6, 7.1 gram. Okay. तो यहाँ पे हमारा सम हो जाएगा 7.1 ग्राम. ये क्या था? सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना, सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट, सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट था और सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट था. ठीक है, सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट कितना आ गया? सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट is also 7.1 gram. So here sum of mass of reactant is equal to sum of mass of product. Therefore we can say that this reaction follows the law of combination of mass. Therefore this reaction follows the law of combination of mass. Therefore you have to answer that this reaction follows the law of combination of mass. Okay, अब ये आपको पता चल गया होगा. ऐसा ही एक दूसरा न्यूमेरिकल मैंने आपको होमवर्क में दिया है, जो पीडीएफ में आ जाएगा, उसमें आपको ये फाइंड नहीं करना कि लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मास फॉलो करता है कि नहीं करता है. वो वहां पे जो क्वेश्चन है वो तो लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मास को फॉलो करता ही है. आपको फाइंड करना होगा रिएक्टेंट में से किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, उन दोनों में से किसी एक का मास जो है वो फाइंड करना होगा. दूसरे का मास आपको दिया होगा तो आपको सिर्फ इतना ही करना है 1.5 ग्राम इनटू x इज इक्वल टू 7.1 ग्राम. हमें अगर x का ढूंढना है तो इसको यहां पे ले लो, वो आ जाता है हमारा x. ऐसा ही इक्वेशन मैंने आपको वहां पे दिया हुआ है. ठीक है, बस स्क्रीनशॉट दे लीजिए, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस विद योर फ्रेंड्स, गिव कमेंट्स, आल्सो सब्सक्राइब माय YouTube चैनल आदित्य शिंदे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.